युवा पीढ़ी सकारात्मक सोच व उत्साहवर्धक तरीके से आगे बढ़ रही है। इसका स्वस्थ उदाहरण इन दिनों उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने दीवारों पर बिलासपुर की कलाकृतियां लेकर रहे युवा चित्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। युवा चित्रकार बिलासपुर के ऐतिहासिक व प्रसिद्ध मंदिरों सहित यहाँ की पौराणिक संस्कृति के चित्र दीवारों पर बनाकर आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने व रूबरू करवाने का प्रयास करने में जुटे हैं। इन युवा चित्रकारों द्वारा दीवारों पर विश्व विख्यात शक्तिपीठ माँ नैना देवी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, बारात पर स्थान व वाद्य यंत्र आदि के चित्र बनाए जा रहे हैं। दीवारों पर पौराणिक संस्कृति व अपनी धरोहर से संबंधित चित्रों को उकेरने में लगे चित्रकार में मुख्य रूप से तीन युवतियां शामिल हैं। ये युवतियां करीब एक माह से रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं और पिछले 3-4 दिनों से कलाकृतियों को बनाने का कार्य कर रही है। इनमें बिलासपुर कॉलेज में BSc थर्ड ईयर की स्टूडेंट मधुबाला भी शामिल है। मेरा नाम मधुबाला है, मैं BSc थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और हम रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलेंटियर्स हैं और हम यहाँ पे पेंटिंग्स बना रहे हैं क्योंकि ताकि हमारा जो संस्कृति है इसको हम दर्शा सके। और हमारे जो अध्यक्ष हैं जैसे कि हॉस्पिटल कल्याण शाखा के मिसेज झुम्पा जम्वाल, उनके सहयोग से हम ये सब कर रहे हैं। और हमारे और भी वॉलेंटियर्स हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, जैसे कि हमने गरीबों को कंबल बांटे तो उनकी मदद से हमने ये सब किया। और बाकी हम यहाँ पे पेंटिंग्स बनाने से देख रहे हैं, हमें संस्था से जुड़े अभी एक महीना हो गया, बाकी इन पेंटिंग्स को बनाते हुए हमें अभी एक हफ्ता हुआ है क्योंकि ये 50 वर्ष हो जाएंगे ना फिर पूर्ण राज्यत्व जो आया हमारा, तो फिर इसीलिए हम पेंटिंग्स बना रहे हैं ताकि हम संस्कृति को मतलब लोगों में दर्शा सके, पुरानी संस्कृति को भूले ना। नमस्कार, रेड क्रॉस सोसाइटी की वॉलंटियर हूँ और इसके अध्यक्षता के अंतर्गत हम अपनी पुरानी संस्कृति को दर्शा रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे अवगत हो। और इसमें हमारी DC सर की वाइफ झुम्पा जम्वाल हमारी हमें इसके लिए हेल्प कर रही हैं और इसके लिए हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं।